रुबर्न मिशन के तहत आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जॉलीग्रांट के निकट रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का निर्माण किया गया। इसका लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां हर्सिल से लेकर मुंशियारी तक के उत्पाद मिल सकेंगे। हर छोटी जगह से कई प्रकार के उत्पादों को यहां एक बाजार मिल सकेगा। यहां ऋषिकेश भी पास में है और एयरपोर्ट भी है, साथ में देहरादून हरिद्वार हाईवे भी है जिससे कि यहां लोग पहुंच सकेंगे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तरा शब्द नारीत्व के लिए है और यह उत्तराखंड भी है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया है। ये श्याम भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रुबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हर्सिल का हो, चाहे हमारे मुंशियारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाज़ार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे कि जैसे जिससे कि इन लोगों को अच्छा बाज़ार मिले, जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं उनको भी जो है प्रोत्साहन मिले। हाँ, निश्चित रूप से देश भर के लोग, क्योंकि बगल में हमारा यहाँ पर धार्मिक नगरी ऋषिकेश भी है, यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट भी है और देहरादून हरिद्वार का ये हाईवे भी बगल में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये और ज़्यादा जो है लोगों के ध्यान में यहाँ की चीज़ें। ये आज हमारा उत्तरा स्टेट एम्पोरियम है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये स्टेट एम्पोरियम जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पूरे स्टेट में आज बनाया जा रहा है। इसकी खास तौर से बात ये है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे ट्राइब से प्रोडक्ट्स बनवाता है, हमारे जो NRLM है वो स्वयं सहायता समूह से बनवाता है, जो हमारा ऑर्गेनिक बोर्ड है वो जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान उनसे प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स अब एक ही छत के नीचे आप सबको मिल पाएंगे। खास बात ये है कि ये बिल्कुल हमारा एयरपोर्ट के नज़दीक है। हमारे जितने भी टूरिस्ट उत्तराखंड में आते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए फेमस है, हम चाहेंगे कि टूरिस्ट यहाँ आए और उत्तराखंड की यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ के जनजातियों से लेके यहाँ के गांव के लोग, महिलाओं से लेके सब ने जो बनाए हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वेल सर्टिफाइड बाय FSSAI अदर डिपार्टमेंट्स, वो उनको यहाँ से लेके जाएं। आई थिंक ये अच्छी यादगार रहेगी। हम लोग बाकी प्रदेशों में भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं हम वहाँ से एक टोकन उठाएं। तो ये उत्तरा स्टेट एम्पोरियम लोगों को उत्तराखंड की यादगार अपने घर तक ले जाने के लिए आज हमने ये एम्पोरियम का आज उद्घाटन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और हमारे इस एम्पोरियम को विजिट करें। एंड इवन इफ उनकी कोई भी सजेशंस हैं रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट विच दे फील कि जो अच्छा है और उसको हमें और मात्रा में यहाँ रखना चाहिए, वो भी हम लोगों से सजेशंस इन्वाइट करें। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि यह उत्तराखंड का पहला स्टेट एम्पोरियम है जहां राज्य के सभी उत्पाद एक ही जगह पर मिल सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि रुबन क्लस्टर के रानी पोखरी ग्रांट में सप्ताह के दो दिनों मंगलवार एवं शुक्रवार को हाट का आयोजन किया जाता है, जो कि जीर्ण शीर्ण दशा में था। रुबन मिशन की ओर से इस हाट परिसर का विस्तारीकरण किया जा रहा है, साथ ही यहां प्रकाश के लिए सोलर लाइट की स्थापना भी की जा रही है जिसकी कुल लागत 138 लाख है। श्यामा प्रसाद ग्लोबल मिशन के तहत रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्टेट एम्पोरियम का आज CM पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है, जिससे कि अब उत्तराखंड के सभी उत्पाद एक ही जगह पर मिल सकेंगे। ऐसे में उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी है तो वे इस स्टोर पर जरूर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।